संपूर्ण समाधान दिवस कालपीनगर के तहसील सभागार में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी जालौन राजेश कुमार पांडे और नवागंतुक पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने की। अपने अधीनस्थों को आदेशित किया कि समस्याओं का निस्तारण गुणवत्तापूर्वक शीघ्र किया जाए। वहीं संवाददाता से पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने अपने साक्षात्कार में बताया कि साइबर क्राइम से जुड़े मामलों की गंभीरता से समीक्षा की जा रही है, परिणाम जल्द सामने आएंगे। मौके पर उप जिलाधिकारी कालपी सुशील कुमार, क्षेत्राधिकारी कालपी डॉक्टर देवेंद्र पचौरी, कालपी कोतवाली प्रभारी नागेंद्र पाठक, तहसीलदार कालपी अभिनव तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। कालपी से प्रशांत शुक्ला की रिपोर्ट। सर, आज आपका तहसील दिवस हुआ है, तहसील दिवस में कितनी फरियादी हैं, कितनी शिकायतें? जी, तहसील दिवस में कुल 34 एप्लीकेशन आज प्राप्त हुए थे, जो भूमि उससे चक्रोड से पैमाई से संबंधित थे और वरासत से संबंधित थे। उसमें कुल 9 प्रकरणों का निस्तारण हो गया है। शेष पे समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक कार्रवाई के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इसके अलावा आज न्यायालय के इनके कार्यों का भी निरीक्षण किया है। आय जात निवास प्रमाण पत्र, चरित्र, हैसियत, ये सब विद इन टाइम जारी हो रहे हैं। प्रयास है कि जो भूमि विवाद से संबंधित प्रकरण है उसको राजस्व की संयुक्त टीम और पुलिस की जा करके मौके पर निस्तारित कराती है, और जो न्यायालय में मुकदमे हैं 3 वर्ष व 5 वर्ष के ऊपर का उनका निस्तारण करें, सीमाबंदी के प्रकरण को देखें, और जो गरीब और कमजोर लोग से जुड़ी जो योजनाएं हैं उसमें विकास की चल रही है उन पे लोग फोकस करके और हर पात्र और वंचित को लाभ दिलाएं, ये अधिकारियों को निर्देशित किया। एक और निर्देश की समीक्षा की गई कि जो शिकायतें हैं उनके निस्तारण के लिए कि जब तक आवेदक संतुष्ट न हो जाए फीडबैक लेकर के उसकी संतुष्टि तक होने के समाधान कराएं। सर, एक सवाल सर कप्तान साहब से है, सर साइबर क्राइम के मामले जैसे कि आजकल ज़्यादा आ गए हैं, तो क्या स्ट्रेटजी बना रखी है आपने और आपके पुलिस विभाग ने कि साइबर क्राइम को कैसे रोका जाए? ये साइबर क्राइम रोकने के लिए हमारे पास साइबर पुलिस स्टेशन है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर है, कार्यरत है, एक्टिव है। उसके कार्यों की समीक्षा की है हमने, उनको कुछ निर्देश दिए हैं, उनको एक्टिवेट किया है कि प्रो एक्टिव पुलिसिंग की पॉलिसी वहाँ हम लोग अपना रहे हैं और जल्दी परिणाम आपको दिखे। जैसे कांवड़ यात्रा का महीना शुरू हो चुका है, कांवड़ यात्रा को लेकर किस तरह प्रशासन की तैयारियाँ हैं? देखिए, जो हमारे महत्वपूर्ण शिव मंदिर हैं उन पर हम राउंड द क्लॉक ड्यूटियाँ रख पा रहे हैं। इसके अलावा हम रात में भी उन स्थानों की चेकिंग कराते हैं, और जो इंटेलिजेंस इनपुट है, जो हमारे इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं उनको एक्टिवेट किया हुआ है, और साथ ही साथ अपने लोगों को मैंने बोला है कि जो इस मध्य बड़े त्यौहार पड़ेंगे शिवरात्रि वगैरह का, उसके पहले पीस कमेटी की मीटिंगें वगैरह करने के लिए, तो हम लोग इसमें एक पुख्ता सिक्योरिटी प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। प्रशासन को किस तरह से दिशा निर्देश दिए गए आपकी तरफ? देखिए, रात में गश्त और जो हमारा क्राइम कंट्रोल है, लॉ ऑर्डर है, ये हमारी प्रायोरिटी है, ट्रैफिक है, इसकी दिशा में इनको प्लान बना के सौंपा गया है और ये सभी उस पर कार्य कर रहे हैं।